हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि बीपीएसएम के द्वारा यहाँ पे जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर जो है न्यू लेटर जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे न्यू लेटर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये लेटर जो है जारी किया गया है, जिससे कि आप लोगों के जो भी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो है अच्छी खबर हो सकती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल के द्वारा जब भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट दिया जाए तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि यहाँ पे ये न्यू लेटर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे टाइप किया गया है। आप लोग यहाँ पे प्रेषक में देख सकते हैं सतीश रंजन सिन्हा, जो कि विशेष सरकार पदाधिकारी हैं। यहाँ पे आप लोग दिनांक देख सकते हैं, जो कि 31/5/2021 का ये न्यू लेटर है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जो है विषय में पढ़ सकते हैं कार्यपालक सहायक के संबंध में। आखिर जो यहाँ पे क्या क्या जो है यहाँ पे कार्यपालक सहायक के संबंध में बताया जा रहा है, मैं आप लोगों को नीचे बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस लेटर में जो जानकारी दी जा रही है, वो दी जा रही है कि विषय प्रशासन पत्र द्वारा नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायक के संयोजन पद स्थापन के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे जिले में आप लोगों को जैसा कि देखने को मिलता है कि अगर जो है कार्यपालक सहायक की कहीं से सेवा समाप्त की जाती है तो उसको जो दूसरे जगह पदस्थापन कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के दिनांक 5/2/2021 को जो एक शासी परिषद की 29वीं बैठक, जैसा कि आप लोगों को पता है, हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे जो निर्णय लिए गए थे, जो कि कई सारे निर्णय जो है असिस्टेंट के पक्ष में थे और कई सारे निर्णय जो है बेल्ट्रॉन के पक्ष में थे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिंदु 6 पे जो निर्णय लिए गए हैं उसके जो है आलोक में यहाँ पे जो है कार्रवाई की जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बिंदु 6 में आखिर ऐसा क्या क्या बातें जो है बताया गया है। तो आप लोग नीचे आएगा तो नीचे में यहाँ पे आप लोगों को जो 6 नंबर बिंदु को यहाँ पे देख लेना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे जो है 6 नंबर का जो बिंदु है उसमें पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या बातें बताई जा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है 6 नंबर बिंदु पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये लेटर जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से अगर पढ़ना चाहिएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम से ये लेटर मिल जाएगा, या आप लोगों को जो है कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लेटर जा चुका है, आप लोग वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायक की जिला स्तरीय पैनल से अन्य कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु यहाँ पे कार्यपालक सहायक का नियोजन मुक्त किए जाने की स्थिति में उन्हें पुनर्नियोजन की दिशा में कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी कार्यपालक सहायक की नियोजन जो है यहाँ पे मुक्त कर दी जाती है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बेल्ट्रॉन के द्वारा होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इस लेटर में बहुत सारी बातें बताई गई थी कार्य बिंदु यहाँ पे कार्यावली बिंदु 6 पे। जैसा कि इसमें बताया गया था कि उस समय जो है आप लोगों का यहाँ पे अगर जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है पैनल बन जाता है या बेल्ट्रॉन के द्वारा जो नियोजन ज्वाइनिंग जो करवाई जाती है तो उसके आदेश में जो यहाँ पे कार्यपालक सहायक की नियोजन नहीं होगा। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे 29वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर जो भी पैनल जो है पहले से बने हुए हैं उस वो पैनल को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और जब भी जहाँ भी जिस भी विभाग में ज्वाइनिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही होगी। तो उसी के आलोक में अगर किसी भी जिला में ऐसा जो है निर्णय लिया जाता है तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे बीपीएसएम के द्वारा जो है यहाँ पे लेटर जारी किया गया है कि 6 नंबर बिंदु पे जो भी निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के अनुसार जो यहाँ पे पुनर्नियोजन और पद स्थापन होगा। तो कहीं ना कहीं ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अच्छी खबर है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बेल्ट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को वहाँ से रिप्लाई का 100% आप लोगों को रिप्लाई जो आपके सवाल का कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को साझा करें, और अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।